नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजधर्म में आज की बड़ी खबर। हम आपको बता दें, भारी विवाद के बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खास हैं। हम आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी आरएसएस के संस्थापक केशव हेदगवार के निवास स्थल पहुंच गए हैं और उनके साथ इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। देखिए, पुष्प अर्पित करते हुए हेदगवार के घर पहुंचे हैं प्रणब मुखर्जी। हेदगवार के घर पहुंचे प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया है मोहन भागवत ने। दोनों ने पुष्प अर्पित कर हेदगवार की फोटो पर, तस्वीर पर नमन किया उनको। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। आप ये सोचिए, वैचारिक और राजनीतिक तौर पर जो दो ध्रुव हैं वो मिल रहे हैं नागपुर में। तस्वीरों में आप मोहन भागवत को देख पा रहे हैं, उनके पीछे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और आज आरएसएस के मंच पर दीक्षांत समारोह में संबोधित करने से पहले आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव हेदगवार के निवास स्थल पहुंचे प्रणब मुखर्जी। एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है क्योंकि भारी विवाद के बीच ये पहली झलक मोहन भागवत और प्रणब मुखर्जी की साथ साथ। एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक हमारे साथ मौजूद है। सरिता, आप मुझे सुन पा रही हैं? सीधे ये जो है वो वहां पर पहुंचे हैं तस्वीर के पास, जहां पर फूल अर्पण करके उन्होंने प्रणब दा ने डॉक्टर हेदगवार का जो एक बड़ा सा फोटो रखा हुआ है वहां पर फूल अर्पण किए हैं। साथ ही में बाद में वहां पर ये एक उन्होंने जो नमन किया है वो नमन करने के बाद ही आगे के कार्यक्रम के लिए वो गए हुए हैं। जो विवाद फिलहाल देश में छिड़ा हुआ है, जो विचारधारा के जनक है डॉक्टर हेदगवार, उनके स्मारक पर आए हैं प्रणब दा और नमन किया है, उनको फूल अर्पण किए हैं। नेहा जी, तो सरिता कौशिक हमारी संवाददाता हमें जानकारी देती हुई ये पहली झलक। देखिए, भारी विवाद के बीच जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जगह जो है ये केशव हेदगवार जो कि आरएसएस के संस्थापक हैं उनका निवास स्थल, और कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले प्रणब मुखर्जी और मोहन भागवत यहां पहुंचकर पुष्प अर्पित करते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।